नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। अब नहीं पढ़ेंगे जमीन पर बैठकर, नगर क्षेत्र में सरकारी प्राइमरी व उच्च प्राइमरी में पढ़ने वाले सभी बच्चे, नए सत्र से फर्नीचर पर बैठकर होगी पढ़ाई। सीएम ने अपनी विधायक निधि से मुहैया कराया धन। 29, 30 और 31 मार्च को कोषागार के साथ साथ शासकीय कार्य करने वाले समस्त बैंक शाखाएं भी रहेंगी खुली, जिलाधिकारी ने दिए आदेश। 5 पशु तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 42 गौवंशियों को काटने की थी तैयारी, सीओ क्राइम ने किया खुलासा। एडीजी दावा शेरपा ने गोरखपुर जोन के कानून व्यवस्था की समीक्षा, अपराधों और अपराधियों पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। जिला जज और डीएम ने किया मंडली कारागार का निरीक्षण, डीएम ने कहा कैदियों की संख्या को देखते हुए कारागार के विस्तार की है जरूरत। विद्युत बिल जमा काउंटर पर लगा ताला, निराश उपभोक्ता लौटे वापस। हड़ताल के दौरान भी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा, खुलेंगे विद्युत बिल जमा करने के काउंटर। एनजीटी के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए कंबाइन हार्वेस्ट के साथ स्ट्रॉ रीपर विथ बाइंडर के प्रयोग को किया अनिवार्य। विटामिन डी की उपयोगिता पर डॉक्टरों ने रखे विचार, कहा सेहत सही रखनी है तो विटामिन डी और कैल्शियम जरूर लें। जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर मेले की बनी विजेता, 2 दिवसीय शैक्षिक मेले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने किया समापन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के तत्वावधान में कैंसर विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला, पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार ने रखे अपने विचार। अखंड भारत के निर्माताओं की निकाली गई झांकी, अमूल्य योगदान पर लोगों ने किया इन महान विभूतियों को नमन। जिला योजना समिति के सदस्यों के चुनाव में बिंदु, शत्रुघ्न संजय और संतोष हुए विजयी, 2 सदस्य रिंकी और कुसुम पहले से ही चुने जा चुके थे निर्विरोध। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत चंपा देवी पार्क में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में होगा सामूहिक विवाह। आतिफ चैम को 40 रनों से हराकर रॉयल उद्यान्स की टीम पहुंची अंडर 12 आतिश क्रिकेट क्लब के फाइनल में। और आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने किया जिला क्रिकेट लीग पर कब्जा, फाइनल में नासा के एस टैलेंट को 9 विकेटों से हराया। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर नगर क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी में पढ़ने वाले सभी बच्चे नए सत्र से फर्नीचर पर बैठकर पढ़ेंगे। इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल करते हुए अपनी विधायक निधि से धनराशि उपलब्ध कराया है। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर नगर क्षेत्र में 68 प्राथमिक तथा 11 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। सीडीओ अनु सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में ई टेंडरिंग के द्वारा यह कार्य करने का निर्णय लिया गया है। नगर क्षेत्र में कुल 11 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें 8 को पूर्व में ही फर्नीचर उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अलावा जिले में 313 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 836 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 215 स्कूलों में वर्ष 2008-09 में फर्नीचर उपलब्ध कराया जा चुका था। 29, 30 और 31 मार्च को कोषागार के साथ साथ शासकीय कार्य करने वाले समस्त बैंक की शाखाएं भी खुली रहेंगी। ये जानकारी जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने देते हुए बताया कि मार्च का अंतिम दिन होने के कारण विभागों और कार्यालयों में अधिक संख्या में बिल कोषागार से प्राप्त होंगे, इसलिए कोषागार और बैंक शाखाएं खुली रहेंगी। उन्होंने इस संबंध में
भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक के प्रबंधकों और तहसील के उप कोषागारों को निर्देश दिया है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। खोराबार पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उसने दो ट्रकों में 42 गौवंशियों के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। खोराबार पुलिस के मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि दो ट्रकों में गौवंशियों को काटने के लिए बिहार के छपरा जिले में ले जाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए ट्रक समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में सोनू यादव, राम यादव, कमलेश यादव, कन्हैया साहनी और ब्रिजेश साहनी हैं, जो कि गोरखपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। इस गिरफ्तारी के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। इसमें कोई जेल नहीं है। एसपी साहब के निर्देश अनुसार वो तस्करी का एक गैंग यहाँ पे चल रहा था, कुछ दिनों से सक्रिय था। इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई मुखबिर से और इस पर जब काम किया गया तो कल शाम को ऐसी सूचना मिली कि कुछ वाहन NS-28 से ये करजहाँ होते हुए मोतीराम अड्डा की तरफ से निकलने वाले हैं। बाहर वो यहाँ से बिहार जाने वाले थे। घेराबंदी की गई दोनों तरफ से। इसमें एसओ खोराबार स्वाट टीम लगी हुई थी और इसमें हम लोग को सफलता प्राप्त हुई। दो ठीक है ट्रक पकड़े गए, कुल 42 ठीक गोवंशीय जानवर इसमें से मिले और इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 5 लोग पकड़े गए हैं अभी। एक व्यक्ति जो कि था वहाँ मौके से स्किप हुआ है और भी कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जो वहाँ पे थे। कहाँ से ले आ रहे थे, कहाँ ले आ रहे थे सर? अब ये तो गोरखपुर से ही ले आ रहे थे, मतलब अब इसके बारे में भी और जानकारी जमा की जा रही है। अपर पुलिस निदेशक दावा शेरपा की अध्यक्षता में गोरखपुर जोन के कानूनी व्यवस्था की समीक्षा बैठक एडीजी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में आईजी नीलाब्जा चौधरी, एसएसपी गोरखपुर शलभ माथुर के अलावा बस्ती देवीपाटन मंडल के एसपी भी मौजूद रहे। बैठक में एडीजी दावा शेरपा ने जोन के कानून व्यवस्था की क्रमवार समीक्षा की और सभी पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने और अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के निर्देश भी दिए। 50 पशु बरामद बॉडी और मार्केट है अभी बिल्डिंग के अपना इस भूमाफिया चिन्हीकरण पर जैसा अभी किया जैसे राज्य ने बताया सर उनका एक्चुअली मैंने नहीं देखा था मेरा आपका 2200 दे रहे चलो ठीक है सर लेवल तो ये भूमाफिया वाला मैं देखूंगा सर ये मैं नहीं देख पाता डॉक्टर वाला। मंडली कारागार का बुधवार को जनपद न्यायाधीश मुकेश प्रकाश, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वकार शमीम रिजवी, विधिक प्राधिकरण सेवा के सचिव चंद्र शुक्ल, एसपी नॉर्थ गणेश साहा भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जेल में बंद कैदियों को मिल रही सुविधाओं और सुरक्षा की व्यापक जानकारी ली। निरीक्षण के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने बताया कि कैदियों की संख्या को देखते हुए जेल के विस्तार करने की जरूरत है। 850 कैदियों की क्षमता वाले कारागार में 1775 कैदियों को रखा गया है। उन्होंने बताया कि जेल में से 7 विदेशी कैदी भी बंद हैं, जिनमें लीगल एडवाइजर के लिए निशुल्क एडवोकेट की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि जेल में 10 बच्चे भी हैं जो जेल में बंद महिला कैदियों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी रिहाई की भी कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया अरे तो आने का सामान में छोड़
हम लोगों का आपके में? जी, ये तो हर महीने तो निरीक्षण होता है, प्रोसीजर होता है, डीजे साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, हम कप्तान साहब, इन लोगों का टीम होता है यहाँ, जो एक तरफ से निरीक्षण होता है। निरीक्षण में यहाँ कैदिया का जो प्रगति है, जो समस्या है, वो सारे चीज़ सुनाया गया था। उसके बाद जो यहाँ सुविधा है उसी के बारे में स्टार्ट पोजिशन ली गई थी। ये तो मामूली रूटीन प्रोसेस होता है, हर महीने होता है। अब ये जो हम लोग कुछ सुझाव तो शासन को भी भेज रहे हैं, ताकि सर जैसे जेल का क्षमता है करीब तकरीबन 800-850 कैदियों का है, बट ये लगभग तो दोगुनी हो चुकी है। अब तक फिलहाल 1725-75 लोग रह रहे हैं उस पर अंडर ट्रायल भी है और कुछ बच्चे भी हैं, महिला भी है। उसको तो इसका विस्तार करने की बहुत ज़रूरत है। हमला का उसको तो हम लोग वो तो अब छापा मारते हैं, वो अचानक मारते हैं, ये तो ऐसे टीम के साथ नहीं होता है। पिछले महीना तो हो गया था, हम तो नज़दीक में कुछ वेलफेयर के लिए है सर। ये बेसिकली देखिए जो कितने लोग हैं, इन लोग का पेशी कब है, इन लोग किसका लीगल एड का सुविधा मिल रहा है कि नहीं, ताकि लीगल एड क्लिनिक एक अंदर भी खोलना था, ताकि जो मान लीजिए किसी का यहाँ तो देखा था 7 कैदियाँ हैं, विदेश का कैदियाँ हैं, एक तो दो थाईलैंड का है, कि ऑस्ट्रेलिया का है, नेपाल का है, नाइजीरिया का कैदी है, इन लोगों का कहीं पेशी के लिए तो कोई आ नहीं रहा। उसके लिए तो गवर्नमेंट के तरफ से एक फ्री वकील रखने के लिए प्रोविजन है, उसका जो लीगल एड क्लिनिक कहते हैं उसको भी शुभारंभ करने के लिए जगह देखा है, वो भी फाइनल हो गया। अगले महीने उसको भी व्यवस्था करेंगे, एक वकील बैठेंगे, किसी के पेशी में जो कोई प्रॉब्लम है कोर्ट में, जो अपने बात रखने में दिक्कत है, वो हो जाएगा। साथ साथ कुछ कैदियाँ हैं बाहर जनपद से है, उन लोगों ने भी निवेदन किया है कि उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए से उन लोगों का यदि समय समय पर हो जाएगा तो फिर जल्दी उन लोगों का जो फैसला है वो हो जाता है। कुछ महिलाएं कैदी हैं सर, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, बात तो सही है, 10 बच्चे हैं वैसे इसका अंदर है, बट बच्चे का जो दूध सारे चीज़ बेसिक सुविधा तो मिल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को बच्चे का कितने जल्दी बाहर वो निकल सकते हैं, उसको जो निकलने के लिए कोशिश करेंगे। ज़्यादातर दहेज वाले मामला पे है, मान लीजिए माँ मर गई तो किसी उनका तो नानी के गोद पे है, नहीं तो नानी चली गई वो माँ तो अंदर जेल पे है, वो सारे परिवार जेल पे, उसी टाइप का मामला है, वो भी नोट करवाया। तो जल्दी कम से कम तो बच्चे क्या पाप किया, उन लोगों को तो जल्दी कुछ व्यवस्था करा के बाहर करा रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन की बात हो रही थी सर। सही बात है, यहाँ जो देखिए 171 लड़के ऐसे हैं, लड़के टाइप का 18 साल के ऊपर है, 21 साल के कम है, उन लोगों को पढ़ाई चल रहा है, और बाकी जो 10 बच्चे के आंगनवाड़ी की सुविधा भी है। बट ये अच्छा नहीं, जो जेल में अंदर आकर के जो भी सीखेंगे वो उतने अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोशिश करेंगे उन लोगों को जल्दी बाहर। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत उपकेंद्रों में ताला लगा हुआ है, विभागों में सभी कार्य ठप पड़े हैं, बिजली का बिल जमा करने आए उपभोक्ता बगैर बिल जमा किए वापस चले जा रहे हैं। बुधवार को बख्शीपुर विद्युत उपकेंद्र पर बिल जमा करने आए विद्युत उपभोक्ता मायूस लौट रहे हैं, जिससे उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। बात करते हुए बिजली बिल जमा करने आए उपभोक्ता अभिषेक और आकाश ने कहा। क्या नाम है भैया आपका? आकाश। कहाँ है यहाँ पे बिल जमा करने? बिल जमा करने आया है, क्या हुआ? बंद पड़ा हुआ है। कुछ जानकारी है क्यों बंद पड़ा हुआ है? कुछ नहीं। आप बताए क्या नाम है आपका? अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक जी यहाँ पे आए हैं आप? अब सुनने में तो आ रहा है कि निजीकरण होना है, अब कई दिन दो तीन बार तो आके जा चुका हूँ, जो बंद ही निकल रहा है। कहाँ पे आए थे? बख्शीपुर। बख्शीपुर।
महानगर के लोगों की परेशानियों को समझते हुए गोरखपुर न्यूज ने इसे गंभीरता से लिया। हमारे संवाददाता ने धरना स्थल पर पहुंचकर वहां के कर्मचारी नेताओं से इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही विद्युत बिलों को जमा कराने की व्यवस्था की जाएगी। ब्रेक में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। अब नहीं पढ़ेंगे जमीन पर बैठकर नगर क्षेत्र में सरकारी प्राइमरी व उच्च प्राइमरी में पढ़ने वाले सभी बच्चे, नए सत्र से फर्नीचर पर बैठकर होगी पढ़ाई। सीएम ने अपनी विधायक निधि से मुहैया कराया धन। 29, 30 और 31 मार्च को कोषागार के साथ साथ शासकीय कार्य करने वाले समस्त बैंक शाखाएं भी रहेंगी खुली, जिलाधिकारी ने दिए आदेश। 5 पशु तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 42 गौवंशियों को काटने की थी तैयारी, सीओ क्राइम ने किया खुलासा। एडीजी दावा शेरपा ने गोरखपुर जोन के कानून व्यवस्था की समीक्षा, अपराधों और अपराधियों पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। जिला जज और डीएम ने किया मंडली कारागार का निरीक्षण, डीएम ने कहा कैदियों की संख्या को देखते हुए कारागार के विस्तार की है जरूरत। विद्युत बिल जमा काउंटर पर लगा ताला, निराश उपभोक्ता लौटे वापस। हड़ताल के दौरान भी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा, खुलेंगे विद्युत बिल जमा करने के काउंटर। एनजीटी के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए कंबाइन हार्वेस्ट के साथ स्ट्रॉ रीपर विथ बाइंडर के प्रयोग को किया अनिवार्य। विटामिन डी की उपयोगिता पर डॉक्टरों ने रखे विचार, कहा सेहत सही रखनी है तो विटामिन डी और कैल्शियम जरूर लें। जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर मेले की बनी विजेता, 2 दिवसीय शैक्षिक मेले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलम माथुर ने किया समापन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के तत्वावधान में कैंसर विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला, पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार ने रखे अपने विचार। अखंड भारत के निर्माताओं की निकाली गई झांकी, अमूल्य योगदान पर लोगों ने किया इन महान विभूतियों को नमन। जिला योजना समिति के सदस्यों के चुनाव में बिंदु, शत्रुघ्न, संजय और संतोष हुए विजयी। 2 सदस्य रिंकी और कुसुम पहले से ही चुने जा चुके थे निर्विरोध। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत चंपा देवी पार्क में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में होगा सामूहिक विवाह। आतिफ चैम को 40 रनों से हराकर रॉयल उद्यान की टीम पहुंची अंडर 12 आतिश क्रिकेट क्लब के फाइनल में। और आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने किया जिला क्रिकेट लीग पर कब्जा, फाइनल में नासा के एस टैलेंट को 9 विकेटों से हराया। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशपुरा के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बुधवार को निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन की वजह से उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जमा कराने में असुविधा को देखते हुए विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक बैठक करके फैसला लिया है कि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जमा कराने के लिए विद्युत काउंटर अवश्य खुलेंगे और सीमित समय के लिए विद्युत बिल जमा किए जाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े नेता है कुलदीप जी जैसा अगर नेतृत्व करता है तो मैं नहीं समझता कि आपका शिक्षण के साथ इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में चिराग जलाए रखना भाभी में हमारे इंजीनियर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयोजक विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अजय कुमार ने कहा, रहा है और काउंटर अभी भी बंद है, क्या नुकसान नहीं हो रहा है सरकार का? नुकसान सरकार का हम कतई करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारा आंदोलन को देखते हुए अपना निजीकरण का फैसला वापस ले। हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, हम तो मार्च के महीने में दुगनी मेहनत करके काम करते हैं, लेकिन ये सरकार हमें मजबूर कर दी है कि आप सड़कों पर बैठिए, आंदोलन करिए, तमाम तरह के इस तरह के गलत निर्णयों से हमें दिक्कत हो रही है, सरकार को भी दिक्कत हो रही है, कुछ रेवेन्यू भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हमारी कोर कमेटी ने आज एक निर्णय लिया है कि अगर कुछ कंज्यूमर हैं जिनके पैसे जमा करने के लिए उन्हें परेशानी हो रही है, हमें कंज्यूमरों को कहीं परेशान नहीं करना है, इसलिए हम अगले जब भी कार्यालय खुलेगा तो हम अपने काउंटर खोलेंगे जनता की सुविधा के लिए, हम अपना काउंटर खोलेंगे। लेकिन हमारा ये आंदोलन अनवरत ऐसे ही जारी रहेगा, सिर्फ काउंटर के छोड़ के सभी साथी हमारे यहीं रहेंगे। राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेश के अनुसार कृषि अवशिष्ट फसल अवशेष को खेत में जलाने की कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने के क्रम में 2 एकड़ से कम 2500 और 2 एकड़ से अधिक एवं 5 एकड़ से अधिक वाले कृषकों पर 15,000 प्रति घटना का जुर्माना दंडात्मक प्रावधान किया गया है। यह जानकारी जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने देते हुए बताया कि फसल अवशेष को जलाने से रोकने से हेतु प्रदेश में कंबाइन हार्वेस्टिंग के साथ स्ट्रॉ रीपर विथ बाइंडर अथवा स्ट्रॉ रीपर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही स्ट्रॉ रीपर मशीन के बिना कंबाइन प्रयोग करने वाले कंबाइन मालिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को बैंक रोड स्थित एक होटल में अध्यक्ष ललित नारायण मिश्र, रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर और वरिष्ठ उपाध्यक्ष यूपी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने एक जनरल प्रैक्टिशनर के दृष्टिकोण से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में विटामिन डी की भूमिका पर उपयोगिता पर शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ ज्ञानवर्धन किया। उन्होंने कहा कि विटामिन डी एक हार्मोन्स की तरह शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने और रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसकी कमी से मुख्यतः हड्डियों का रोग हो जाता है, जैसे बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में हड्डियों की दुर्बलता संबंधी रोग। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, संक्रमण संबंधी रोग होने लगते हैं। जानते होंगे एंड इंसिडेंटली आई हैपन टू कम फ्रॉम द वर्ल्ड कैपिटल फोर पॉसिबिलिटीज, नेवर इग्नोर देम, नेवर ट्रीट देम टू बी फंक्शनल, जस्ट कंसीडर फोर पॉसिबिलिटीज बिकॉज दीज फोर पॉसिबिलिटीज आर नोटोरियस फॉर हैविंग दीज वेक सिम्टम्स व्हिच आई हैव हैड, बट दीज फोर कंडीशंस आर नंबर 1 विटामिन डी डेफिशिएंसी, नंबर 1, नंबर 2 थायराइड स्पेशली इन लेडीज, नंबर 3 डायबिटीज एंड नंबर 4 कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, मे बी रूमेटिक कंडीशंस, मे बी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, मे बी पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा समथिंग। दीज फोर कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सच वेक पेशेंट्स हु आर कंप्लेनिंग ऑफ दिस सिम्टम्स। बी कॉशियस, इन चारों में से कहीं कुछ तो नहीं है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी विटामिन डी की एस्टिमेशन से पता कर सकते हैं, ब्लड शुगर डायबिटीज के लिए है और दूसरा थायराइड T3, T4, TSH एंड ऑफ कोर्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के लिए देयर इज अ होल रेंज ऑफ टेस्ट, स्पेशली ANA टेस्ट, RA टेस्ट, CRP टेस्ट, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट यू कैन रीच अ वेरी वेरी क्लोज डायग्नोसिस ऑफ सम टिश्यूज। व्हाट आर दीस? थिंग्स आर दैट
but these depressive symptoms, yes, maybe because of situational circumstances, but another cause can be. बस जख्म नहीं भर रहा, आपने उसका इन्फेक्शन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, चोट लग गई तब भी ठीक नहीं हो रहा है. It can be a sign of diabetes. You have certain compounds which are crucial for forming new skin as part of the wound healing process, control of inflammation and fight. Bone loss. हड्डी तारीख में मेल तो गंजे होते थे, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर बहुत गंजापन आ रहा है. इस फीमेल के गंजेपन का क्या कारण है, ये आज भी साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैज बीन फाउंड टू बी स्ट्रेस, बट इट हैज बीन सीन दैट मां को सुलझाती रहती थी मोटी मोटी जो कि आज के दर पर कुछ लगी सी टिल सी लटकती रहती है. हियर आर वी लॉस्ट. एक इंपॉर्टेंट रीजन इज साइड स्ट्रेस, विटामिन डी डेफिशिएंसी. आप देखे देखिए और आपको फर्क महसूस होगा. क्रॉनिक माइल्जिया एंड आर्थ्राइटिस, जैसे मैंने बताया, इधर दर्द उधर दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डी में दर्द, यहां दर्द वहां दर्द, ये वेग से सिम्टम जब होते हैं तो आइदर इट कैन बी थायराइड, इट कैन बी विटामिन डी डेफिशिएंसी, इट कैन बी शुगर केस, और इट कैन बी अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिजीज केस. Of course, these are the pictorial representation. What can be the causes? What can be the consequences? That I have already told you. Then you take an X-ray, certain classical findings which you observe, rickets. बच्चों में देखा होगा सूखा हो. आप तो जो भी डेटिशन है या फिजिशियन है जरूर देखते होंगे. इफ यू सी इट, आई डोंट हैव अ पॉइंटर, बट यू कैन सी द कपिंग ऑफ द डिस्क, कपिंग ऑफ द डिस्क, वाइडनिंग ऑफ द एपिफिसिस, न्यू बोन फॉर्मेशन, बोन विद इन बोन. यू कैन सी दिस इज द बोन लाइन, दिस इज द बोन लाइन. प्लस द पिक्चर ऑफ रिकेट्स इन नीड टू टेक सो मच एपिफिसल प्लेट इज डिस्प्लेड, चौड़ी हो गई है और फ्रेट हो गई है. These are the cluster signs which you see in rickets in vitamin D deficiency. Then in adults, it is called as osteomalacia. In osteomalacia, you see these are the patchy area of bone loss. Can you see? Yes. If you take an X-ray, you can see these patchy areas of bone loss. Very, very important classical sign of osteomalacia in X-ray are these are the pseudo fracture signs. You can see? You can see it here. Or in pubic rami, you can see this breach. It appears that it is a fracture, but in fact it is the loser bone from where the calcium mineralization has not occurred. It appears from a fish mouth or fish tail. This is the classical fish tail or fish mouth appearance seen in osteomalacia. So what is the labeling? If it is between 0 to 12, it is deficiency. If it is between 12 to 25 to 50, preferably in and around 30. And of course, desirable is 30 to 50, as I have told you. And anything above 50 is leveled as high. And anything above it, to have an optimal desirable level of vitamin D between 30 to 50. इसी के हिसाब से आपको भी guideline करना है. Is vitamin D testing essential for prescribing? Yes. If it is visible, it can be done, should be done, because it establishes indicator और इसकी study हुई वहाँ कैसा काम. तब न तो sufficient dose carry कर रही है, ना quality है, and we are going to develop MDR and XDR TB. Same is with vitamin D. लिखा हुआ है 6000, मिल रहा है 2000. लिखा हुआ है 60000, मिल रहा है 2000. ये dispensing errors can cause to vitamin D toxicity, and of course, as I told you, if you give parenteral vitamin D, it raises the vitamin D level much higher, may lead to toxicity. Elderly and extreme sufferers, thyroid diuretics, conditions like sarcoidosis, tuberculosis, and renal insufficiency. In such cases, when you give vitamin D in good dose, large dose, you can see they develop toxicity symptoms. But ये बहुत अच्छी जवानी का रास्ता है. मतलब इट डजंट अपीयर टू बी कि मतलब होल्डर बोल है कुछ हो रहा है इसके लिए टाइम सीधा पोस्टर कल मेरी जिंदगी से दूर रहा है. नंबर वन रेगुलर इंटेक ऑफ कैल्शियम एंड नंबर टू रेगुलर इंटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. कैल्शियम विद विटामिन डी मेंटेन्स योर ऑल बॉडी हेल्थ एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट्स एजिंग. 6-7 एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स आर देयर लाइक एल-कार्निटिन like lycopene and carotenoids, flavonoids, they are all there. क्या होता था अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाइए. आप सब पता नहीं हिस्ट्री में कितना इंटरेस्टेड है कितना नहीं है. पुराने जमानों में हमारे देवता सोमरस का पान किया था. सोमरस
It's not Madira. It's not wine. It's not alcohol. It is so much. ठीक है ना? आप में से कितने literally minded लोग हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप हैं तो आपने बड़ी अच्छी सीरीज आई थी लॉर्ड शिवा ट्रायलॉजी के ऊपर अमीश नंदी की, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम था इमॉर्टल मरुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर उसने लिखी थी मरुआ के मृत्युंजय, उसमें उसने लिखा हुआ है कि वो मरुआ के मृत्युंजय जो 150 से 200 साल जीते थे इंडस वैली में, वो सोमरस का रेगुलर पान करते थे और उस सोमरस को बनाने के लिए एक स्पेशल ट्री होता था जो हिमालय का होता था और सिंधु नदी के पानी में उसको करा जाता था, उससे जो ब्रू निकलता था दैट वाज कॉल्ड एज सोमरस एंड दैट सोमरस वाज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच प्रिवेंटेड देयर एजिंग, बुढ़ापा नहीं आता था। और आपने शायद वो पार्वती के दक्ष वगैरह की कहानी भी सुनी होगी कि 100 साल में 125 साल में उन्होंने ये किया और वो किया, तो इट वॉज सोमरस। वो सोमरस आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है बना पाना, उसका सब्स्टिट्यूट आ गया है मल्टी एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स, 7-8 का मिला हुआ कॉम्बिनेशन आता है। मेरी आप सबसे सलाह है, 40+ जितने भी लोग हैं, अपनी डाइट में एक कैल्शियम और विटामिन डी और एक एंटीऑक्सीडेंट जरूर ले लें, आप पाएंगे आपका बॉडी एनर्जी लेवल इज मच मच बेटर एंड यू डोंट ग्रो ओल्ड। बच्चे भी कहेंगे पापा आप तो लग ही नहीं रहे थे, ग्रो भी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा, जनरल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के तत्वावधान में ये जो कार्यशाला विटामिन डी पे की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य विटामिन डी का शरीर के स्वास्थ्य में कितना महत्व है इसको अदा को हाईलाइट करने के लिए किया गया है, क्योंकि विटामिन डी शरीर के बहुत सारे कामों में योगदान प्रदान करता है, स्वस्थ रखता है शरीर को, कैंसर के होने को रोकता है, संक्रमण को रोकता है, और सबसे बड़ी बात यह है इसके स्रोत जो हैं, जो प्राकृतिक तौर पे सूर्य का प्रकाश है जिससे ये विटामिन डी बनता है, इसकी महत्ता को लोगों तक पहुंचाने के लिए बताने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। दवाओं से भी विटामिन डी बढ़ाया जा सकता है, कुछ खानों से भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन भारतवर्ष में जहाँ धूप प्रचुरता से उपलब्ध है, अगर आप अपने शरीर को सूर्य की रोशनी को एक्सपोज करते हैं तो आप प्राकृतिक तौर से सारा का सारा विटामिन डी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाता है। ये महत्व, ये भूमिका विटामिन डी की लोगों तक, डॉक्टरों तक और डॉक्टरों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य से ये कार्यशाला का आयोजन किया। बुधवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नारमल परिसर में प्रस्तुत शैक्षिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने समापन किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर का और कार्यक्रम के समापन अध्यक्ष प्रोफेसर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अजय शुक्ला का स्वागत प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ज्ञानेन्द्र प्रसाद सिंह ने बैच लगाकर और पुष्प गुच्छ देकर किया। मुख्य अतिथि ने विजेता टीम को शील्ड प्रदान किया। मुख्य अतिथि के स्वागत में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताते चलें कि जिला मेजबान शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नार्मल गोरखपुर द्वारा आयोजित शैक्षिक मेले में जिले के कुल 43 अन्य शिक्षण संस्थाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें 46 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर ओवरऑल विजेता बनी जिला शिक्षण प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर की टीम, दूसरे स्थान पर सेंट जोसेफ और तीसरे स्थान पर पंडित हरि सहाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बेलघाट और विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान मारीराम दोनों तीसरे स्थान के लिए संयुक्त विजेता रहीं। इस मौके पर जिले के समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य और छात्र गण मौजूद रहे। करें उनका अभिनंदन करें, आपकी करतल ध्वनियां इस पांडाल में गुंजायमान रहनी चाहिए। हमारे जी हमारी अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अजय शुक्ला जी दीनदयाल सम्मानित हो रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां पूरी पर आपका इस बैच परिवार में स्वागत है। और मैं चाहूंगा आज की अध्यक्षता कर रहे अजय शुक्ला जी सर को ये पुष्प गुच्छ प्रदान करके। माफी मांगना चाहूंगा, मेरे को आने में विलंब हुआ, आप लोगों को वेट करना पड़ा। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और डीआईओएस साहब को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक आयोजन कराया। इस तरह के आयोजन से हम लोग की जो प्रतिभा है, हमारा टैलेंट है, बाहर आता है, दूसरों की चीज़ों से हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने को मिलता है। एक नई की तरह की चीज़ है, मैं भी जीवन में पहली बार इसको देख रहा हूँ। आप सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आप लोग के लिए नया नया एक्सपोजर हुआ, आप इस चीज़ को सीख के जीवन में और आगे जाएंगे। आप सभी हम लोग के देश का भविष्य है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसी मनोरथ के साथ निरंतर आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे अपनी फील्ड में, और जहाँ भी हम पूरी सत्यनिष्ठा मेहनत ईमानदारी से जिस भी फील्ड में है वहाँ पे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने समाज को, देश को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूछना चाहिए 45 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, जोरदार तालियां जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान के लिए। इसके बाद भी दो नाम हमारे पास है जो द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पर है। एक ग्रुप हो जाए, लेकिन जोरदार तालियों से एक बार फिर गुंजायमान हो जाना चाहिए पूरा पांडाल प्रथम स्थान जिला शिक्षा एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राणी विभाग अनुसंधान विभाग के तत्वावधान में असाध्य रोग कैंसर के लक्षण और बचाव के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार, प्राणी विभाग के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर हरिशंकर सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यशाला में प्रोफेसर अशोक कुमार ने कहा कि तंबाकू और धूम्रपान से कैंसर जैसी घातक बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में लंग कैंसर से पीड़ित मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसके बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच करानी चाहिए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रोफेसर अशोक कुमार ने कैंसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया, डॉक्टर की सलाह अवश्य है। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी कमी है और सबसे बड़ी मानता है कि यहाँ जितने बैठे हैं मैं समझता हूँ 70-80% सभी डॉक्टर हैं, सेल्फ डॉक्टर, कोई दिखाने जाता नहीं। हाँ, सीढ़ी में दवा ले ली, पेट खराब हुआ तो दवा ले ली, एंटीबायोटिक ले ली, जब चार पांच कोई बुखार नहीं हो सकता तब योग डॉक्टर के पास जाओ, वरना जानते हैं कि हम सब डॉक्टर हैं। तो ये चीज बड़ी घातक है, इसलिए डॉक्टर का परामर्श लेना आवश्यक। एक नजर थोड़ी सी कैंसर इंसिडेंस के लिए अगर आप देखें, मेल में वर्ल्ड ओवर मेल में लंग कैंसर सबसे प्रमुख है और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर सबसे प्रमुख है, फिर मेल में प्रोस्टेट कैंसर, उसके बाद उसका नंबर आता है, और इसमें कोलोरेक्टल है, रेक्टम है। तो इस प्रकार से ओवरऑल में देखा जाए तो लंग कैंसर की जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, और उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर सब देयर है। तो यू सी दी दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज वर्ल्ड का मैप है, ये यूएस साइड है, अमेरिका का साइड, और ये चाइना और रशिया का साइड है। ये देखिए ये डार्क है, डार्क ब्लू का मतलब ये है कि कैंसर इंसिडेंट इस कंट्री में सबसे ज्यादा होता है। हमारी दादी थी या नानी थी, वो रोज एक नारियल का पानी पिलाती, नारियल का पानी, और उसकी जिंदगी कम होती थी। अब नारियल का पानी लोग पीते नहीं है, आज हम सब चाहिए तुमको बोला चाहिए। सो मे बी समथिंग इज देयर इन अवर नेचुरल ग्रेडिएंट्स ऑफ द कोकोनट, जो उसका पानी होता है, तो वो दूसरे शो कर रहे हैं। What I want to say is that the food habits, the lifestyle are important component, even if there is a chance of this and
सकती है बट विद अ डिफरेंस, यहाँ मेल में लंग कैंसर नंबर 2 पर है, लिप एंड ओरल कैंसर नंबर 1 पर है, मेल सीजन आप बता सकते हैं मेरे ख्याल से तंबाकू या पान मसाला या गुटखा। अब ये अवेयरनेस की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सम्राट अशोक क्लब के बैनर तले राष्ट्रीय प्रतीकों की झांकी बुधवार को गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से निकाली गई। ये झांकी महानगर के विभिन्न स्थानों जैसे अंबेडकर चौराहा, शास्त्री चौराहा, गोलघर होते हुए वापस रेलवे स्टेशन पर जाकर समाप्त हो गई। झांकी में मुख्य रूप से सम्राट अशोक, अमर शहीदों, संविधान समिति के निर्माताओं के अध्यक्ष परमवीर चक्र के विजेताओं के चित्र झांकी मुख्य आकर्षण बने रहे, जिसमें भारी संख्या में सम्राट अशोक क्लब के लोगों ने हिस्सेदारी ली। के लिए दिल जा रहा हम, जीवन के लिए तलवा रहा हम, मैदान में अगर हम, मैदान में अगर हम हट जाए, दिल है के पीछे हट जाए। बात करते हुए क्लब के गिरीश चंद मौर्य ने बताया, राष्ट्रीय एकता अखंडता एवं सौहार्द हेतु राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में, परमवीर चक्र विजेताओं के सम्मान में, अमर शहीदों के सम्मान में सम्राट अशोक क्लब शाखा गोरखपुर ये 7 सालों से झांकी निकाल रहा है। 4 साल हम लोग कौड़ी राम निकाले, 5वें साल चौरी चौरा शहीद स्मारक में निकाले, 6वें साल हम लोग सहजनवा निकाल रहे हैं। लोगों के अंदर जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का बोध हो, राष्ट्र प्रेम पैदा हो, इसके लिए ये सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से झांकी निकाली जा रही है। कहाँ से निकाले, कहाँ तक जाएंगे? ये रेलवे स्टेशन से 200 मीटर पूर्व अशोक स्तंभ बना हुआ है, जहाँ रेलवे स्टेशन की धुलाई होती है, जहाँ मुख्य इंजीनियर बैठते हैं, वहाँ से झांकी निकाल करके पूरा ये गोल घर घुमा करके बैंक रोड होते हुए यूनिवर्सिटी चौराहा से होते हुए जाकर पुनः हम लोग वहाँ पर समापन करेंगे। जिला योजना के सदस्यों के लिए बुधवार को उप जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में किया गया चुनाव, जिसमें सहायक निर्वाचन अधिकारी विधान जायसवाल की देखरेख में चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें 171 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। योजना समिति के लिए कुल 6 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें से 2 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए थे। 4 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 8 सदस्यों ने भागीदारी की थी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए बिंदु देवी और पुरुष में शत्रुघ्न विजयी रहे और अनारक्षित वर्ग में संजय कुमार और संतोष राम त्रिपाठी विजयी हुए। इसके पहले अनुसूचित जाति के लिए रिंकी देवी और अनारक्षित महिला के पद पर कुसुम निर्विरोध चुनी जा चुकी थी। मतदान और मतगणना के दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध बनाए गए थे। Thank you.
पीछे दाएं बाएं हाथ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन चंपा देवी पार्क में 29 मार्च को दिन में 12 बजे किया जाएगा। यह जानकारी समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि कुमार ने देते हुए बताया कि जिसके मुख्य अतिथि सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार धर्मपाल सिंह होंगे। बुधवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे आतिफ अंडर 12 क्रिकेट कप का सेमीफाइनल मैच रॉयल उद्यान्स और आतिफ चैंप्स के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल उद्यान्स की टीम निर्धारित 25 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बनाई। रॉयल की तरफ से अमित ने 86 रनों की पारी खेली और अंत तक वो आउट नहीं हुए। आतिफ चैंप की तरफ से पीयूष ने 5 ओवरों में 11 रन देकर 4 विकेट लिए। 130 रनों का पीछा करने उतरी आतिफ चैंप्स की पूरी टीम 19वें ओवर में ही 90 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। रॉयल की तरफ से अमित और आर्यन को 4-4 विकेट मिले। रॉयल उद्यान्स ने यह मैच 40 रनों से जीत कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बुधवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर गोरखपुर क्रिकेट लीग का फाइनल मैच नासा केएस टैलेंट और आतिफ क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नासा केएस टैलेंट ने 40 ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाई। नासा की तरफ से अभिषेक शुक्ला ने 95 रन और अंगद यादव ने 45 रनों की पारी खेली। आतिफ क्रिकेट एकेडमी की तरफ से किशन चौहान को 4 विकेट मिले। 200 रनों का पीछा करने उतरी आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने 29वें ओवर में ही इस लक्ष्य को 1 विकेट के नुकसान पर ही प्राप्त कर लिया। आतिफ की तरफ से सलामी बल्लेबाज अंजनेयन ने 43 गेंदों पर तबातोड़ 7 चौकों और 9 छक्कों की मदद से कुल 115 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज निखिल ने 64 रनों की पारी खेली।
गुड बाय। ये ऐसे घर चलिए चलने के पहले नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। अब नहीं पढ़ेंगे जमीन पर बैठकर नगर क्षेत्र में सरकारी प्राइमरी व उच्च प्राइमरी में पढ़ने वाले सभी बच्चे, नए सत्र से फर्नीचर पर बैठकर होगी पढ़ाई। सीएम ने अपनी विधायक निधि से मुहैया कराया धन। 29, 30 और 31 मार्च को कोषागार के साथ साथ शासकीय कार्य करने वाले समस्त बैंक शाखाएं भी रहेंगी खुली, जिलाधिकारी ने दिए आदेश। 5 पशु तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 42 गौवंशियों को काटने की थी तैयारी, सीओ क्राइम ने किया खुलासा। एडीजी दावा शेरपा ने गोरखपुर जोन के कानून व्यवस्था की समीक्षा, अपराधों और अपराधियों पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। जिला जज और डीएम ने किया मंडली कारागार का निरीक्षण, डीएम ने कहा कैदियों की संख्या को देखते हुए कारागार के विस्तार की है जरूरत। विद्युत बिल जमा काउंटर पर लगा ताला, निराश उपभोक्ता लौटे वापस। हड़ताल के दौरान भी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी सुविधा, खुलेंगे विद्युत बिल जमा करने के काउंटर। एनजीटी के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए कंबाइन हार्वेस्ट के साथ स्ट्रॉ रीपर विथ बाइंडर के प्रयोग को किया अनिवार्य। विटामिन डी की उपयोगिता पर डॉक्टरों ने रखे विचार, कहा सेहत सही रखनी है तो विटामिन डी और कैल्शियम जरूर लें। जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर मेले की बनी विजेता, 2 दिवसीय शैक्षिक मेले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलम माथुर ने किया समापन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग के तत्वावधान में कैंसर विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला, पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार ने रखे अपने विचार। अखंड भारत के निर्माताओं की निकाली गई झांकी, अमूल्य योगदान पर लोगों ने किया इन महान विभूतियों को नमन। जिला योजना समिति के सदस्यों के चुनाव में बिंदु, शत्रुघ्न, संजय और संतोष हुए विजयी। 2 सदस्य रिंकी और कुसुम पहले से ही चुने जा चुके थे निर्विरोध। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत चंपा देवी पार्क में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में होगा सामूहिक विवाह। आतिफ चैम को 40 रनों से हराकर रॉयल उद्यान्स की टीम पहुंची अंडर 12 आतिश क्रिकेट क्लब के फाइनल में। और आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने किया जिला क्रिकेट लीग पर कब्जा, फाइनल में नासा के एस टैलेंट को 9 विकेटों से हराया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगले बुलेटिन तक का कीजिए इंतजार और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइन। नमस्कार।